केहन लागल मंदिर बहुत निक लागल बड्ड बड्ड ये इतनी देर से क्यों रो रहा है पता है आप लोगों को मामा क्यों रो रहा है ये उसे इसे जिप लाइनिंग करना है हम लोगों ने एक्सप्लोर कर लिया बहुत अच्छा लगा आप लोग भी जरूर आना चलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे फाइनली जी नीम करौली पहुंच गए मामा नानी लोग वो आ रहे मौसम बहुत अच्छा है दर्शन करते हैं उसके बाद उन लोगों से उनका एक्सपीरियंस लेते हैं फर्स्ट टाइम आए हैं वो और मेरी जिद से आए हैं और यहाँ मेरी जिद से आए हैं वो लोग तो एक बार मिलते हैं दिखाते हैं उन लोगों को उन लोगों का एक्सपीरियंस नोट करते हैं तो फाइनल जी दर्शन हो गए पेड़ के पीछे छुपे हैं नीम करौली बाबा दर्शन हो गए सब ने दर्शन कर लिया कैसा लगा मामा बहुत अच्छा लगा अच्छा था अद्दू ठीक था मजा आया तो चलो जी दर्शन अच्छे से हो गए अब ऊपर टैक्सी वेट कर रही है वहाँ चलते हैं टैक्सी लेते हैं उसका चलते हैं फिर अब नैनीताल की तरफ अब आ गए जी घोड़ा खाल मंदिर नीम करौली में बहुत अच्छे दर्शन हो गए अब दर्शन करने आए हैं घोड़ा खाल मामी को भी लेके नानी को भी लेके बच्चों को भी लेके और यहाँ दर्शन करा के एकदम पहाड़ी बना दूंगा सबको पहाड़ी पहाड़ी देख रहे हो कहाँ मथुरा वृंदावन जा रहे थे यहाँ पहाड़ों की नगरी में ले आया मैं यहाँ दर्शन करते हैं उसके बाद आपको बताते हैं यहाँ का एक्सपीरियंस सेकेंड टाइम बुलाया भगवान ने मेरे को यहाँ पे वो है भीमताल 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 हाँ अभी हम जाएंगे वहाँ पे ये है जी घोड़ा खाल मंदिर यहाँ आ गए हैं दर्शन करते हैं वो देखो मामा देखो नानी को बादल आ चुके हैं हमारे पास देख रहे हो तो यार दर्शन तो हो गए मेरे जस्ट ऊपर घोड़ा खाल मंदिर है सब लोग नाश्ता ले रहे हैं चाय वाय ले रहे हैं मैं भी चाय पी रहा हूँ और चाय के साथ साथ जो व्यू देख रहा हूँ मैं यार जन्नत ये देखो भाई साहब देख रहे हो क्या खूबसूरत व्यू है यार क्या खूबसूरत व्यू है मज़ा आ गया भाई मज़ा आ गया इतना प्यारा इतना सुकून इतनी ठंडी हवा वहाँ की गर्म धूप गर्मी से एकदम दूर मज़ा आ गया और थोड़ी देर में पहुँचेंगे भीमताल उसके बाद सातताल आज के लिए इतना ही फिर कल देखते हैं कल और क्या करना है अभी तो ये व्यू देखो यार एक्सट्रीम कमाल का लग रहा है भाई कमाल का चुके हम लोग भीमताल की तरफ मंदिर में दर्शन अच्छे से हो गए सबने अच्छे से सबने बहुत अच्छे से दर्शन कर लिए कैसा लगा मामा मामी बहुत ही मजे आए अच्छा और बहुत ही स्पिरिचुअल फीलिंग था
जैसे हम लोग बादलों के बीच में खड़े थे और मंदिर शक्तिपीठ था वहाँ पे, सबकी मन्नतें पूरी होती है, सब अपनी अर्जी डालते हैं घंटी के साथ, अर्जी डालते हैं। और एक एक लेडी से अभी हम लोग मिले, वो 4 किलोमीटर पैदल ऊपर चढ़ के ऊपर मंदिर में दर्शन करने गई, जो कि उनको डॉक्टर ने मना किया सीढ़ी से चढ़ने। तो ये भी एक एक्सपीरियंस ही है। और वो ट्रैक करके दर्शन करने आ गई, बताओ नानी यहाँ केहन लागल मंदिर? बहुत नीक लागल, बड्ड नीक। चलो अब चलते हैं यहाँ से भीमताल की तरफ, भीमताल में थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद जाएंगे सात ताल। तो प्लान में थोड़ा सा चेंज आ गया, भैया ने कहा कि भीमताल और सात ताल इनसे भी खूबसूरत ताल दिखाता हूँ, नकुचिया ताल, मैंने भी वो कभी नहीं देखा है, वो एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद फिर टाइम मिलेगा तो ये दोनों भी कर लेंगे। पहले चलते हैं नकुचिया ताल, वहाँ बोट वोट मिल जाएगी ना, बोट राइड वगैरह हो जाएगी ना, अच्छा सारी एक्टिविटी है उसके अंदर। चलो चलते हैं नकुचिया ताल। गए कहाँ पहुँच गए दीदी? नकुचिया ताल में आपका स्वागत है। अब देखते हैं यहाँ क्या क्या एक्टिविटी करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, सब करना है। अद्दू आराम से, दिल जोरों से पुक 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 कर रहा। दोस्तों के साथ बहुत करी बोट राइड, अब करते हैं फैमिली के साथ। भाई एक चीज बताओ, इसकी एज में हम थे तो मम्मी लोग मेला ले जाती थी, बंदूक नहीं दिलाती थी ना तो रोते थे, और फिर भी थोड़ी देर में चुप हो जाते थे। ये इतनी देर से क्यों रो रहा है पता है आप लोगों को? मामा क्यों रो रहा है ये? इसे जिप लाइनिंग करना है भाई। भाई बच्चे का साइज देख लो, बच्चे का साइज देखो, और फूट फूट के रो रहा है भाई। अच्छा चलो आगे करवाता हूँ, आगे करवाता हूँ। जिप लाइनिंग करना था आपको, जिप लाइनिंग क्या करना था आपको? जिप लाइनिंग यार, जिप लाइनिंग घोड़ा खाल हो गया। चलो यार अपना नकुचिया ताल भी हो गया और अच्छी खासी बारिश हो रही है, चलो देखते हैं यार अब कहीं भी मिलेंगे वहां मैं बता दूंगा क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, पहले तो अब बारिश रुकने का वेट करते हैं थोड़ा सा। फाइनली स्वीट होम, 3 दिन के लिए स्वीट होम। तो जी अपनी आज की ट्रिप हुई खत्म, अब करते हैं आराम। चौथी आ गए हैं भैया, थोड़ा आराम आराम करते हैं, आज के लिए इतना ही। होप करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, साथ में बहुत बहुत प्यार दो डीएनजी राइडर को। वाह वाह, आप तो दे दो। बाय बाय।